This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVR University, New Sun Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbul Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar. वार्ड नंबर 13 में हमारे एनजीओ की तरफ से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिशियल को रिक्वेस्ट करने के बाद आज से जो है डेंगू लार्वस सोर्स रिडक्शन सर्वे स्टार्ट हुआ है। जहां पर भी जो यूजुअली देखिए डेंगू जो होता है साफ़ पानी में होता है, साफ़ पानी में पैदा होता है, तो इसको हम लोग जो है यहां पर स्प्रेड हुआ है। हम लोगों ने बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि वार्ड नंबर 13 में जो है डेंगू स्प्रेड हुआ है, बहुत सारे केसेस आ रहे थे। तो हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को रिक्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर टीम आई है, सर्वे कर रहे हैं। जहाँ पर भी हम लोग को डेंगू लार्वा डेंगू मॉस्किटो आ रहे हैं तो हम वहाँ पर एक केमिकल डाल के जो टैनीपास होता है वो डाल के हम लोग जो है वहाँ पर जो भी है पानी क्लियर कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग एजुकेट भी कर रहे हैं लोगों को कि डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं, जैसे बुखार, तेज़ बुखार आना, जो वेरिएशन होती है कम ज़्यादा बुखार होना, जॉइंट्स पेन होना, सीने पे लाल लाल पैचेस होना और सर दर्द होना, ये और वॉमिटिंग होना, ये एक डेंगू के सिम्टम्स होते हैं। उसके प्रिकॉशन जो है आप नियरेस्ट यहाँ पर जो न्यू अहमदनगर का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पर आप अपना ब्लड सैंपल दे के फ्री में आप डेंगू टेस्ट, एलिजा टेस्ट बोलते हैं इसको, फ्री में करवा सकते हैं। अगर आप वही अगर प्राइवेट लैब में करेंगे तो 1000 रुपये उसका कास्ट होगा, और ट्रीटमेंट भी आप लेंगे तो पूरा टोटली फ्री रहेगा। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हज़ारों और लाखों रुपये से बिल बन रहा है। तो जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जो गुलबर्गे में जितने भी हैं, जिसको भी अगर डेंगू का टेस्ट लेना है एलिजा टेस्ट, वहाँ पर आप जाके ले सकते हैं। और ट्रीटमेंट भी जो है वहाँ के अच्छे डॉक्टर्स हैं यहाँ पर हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के, वहाँ से भी आप ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं। और साथ के साथ जो एक जो पपाया जो होता है, पपाया का लीव्स का जूस हो या पपाया हो, उसका जो भी पपाया भी आप खा सकते हैं फ्रूट। और उसके साथ साथ भी आयुर्वेदिक में भी कई डेंगू के दवा हैं। पैरेलली ये एलोपैथी का ट्रीटमेंट करते हुए आयुर्वेदिक का भी करेंगे तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप ठीक हो सकते हैं। और इतना ही, आप लोग पूरा वार्ड नंबर 13 में हम इंशाल्लाह एक डेंगू फ्री करने की एक मुहिम हम लोग स्टार्ट किए हैं। इंशाल्लाह हम पूरा उसको हम डेंगू फ्री करने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग यहाँ पर जो है ना डेंगू के सर्वे के लिए निकले हैं। ये वार्ड नंबर 13 में जो है ना डेंगू के जो है ना बढ़ते हुए जो है ना पेशेंट्स की शिकायत आने की वजह से हम लोग जो है ना एक ऑफिशियल टीम को लेकर यहाँ पर पूरा एक डेंगू का सर्वे डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं। ये डेंगू का जो मच्छर है वो साफ़ पानी में, जैसे आप लोग जैसा स्प्रेयर वगैरह जो रखते हैं, बर्तन टूटे बर्तन वगैरह जो छत पे उधर उधर पड़े हुए रहते उसमें अगर कोई बारिश का पानी वगैरह अगर खड़ा हुआ है तो उसमें जो है ना डेंगू के मच्छर पैदा होने के ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसे चीज़ों को जो है ना आप जो ना देखिए, मेंटेन करिए, उसमें का पानी जो है ना निकाल दीजिए। और जो पानी स्टोर करके रखते हैं आप ज़्यादा दिनों के लिए, 8 दिन 10 दिन के लिए जो पानी स्टोर करने के लिए रखते हैं नल के वगैरह के प्रॉब्लम की वजह से, तो उसमें भी जो है ना डेंगू के मच्छर होने के चांसेस होते हैं। तो उसको भी जो है ना 2 दिन 4 दिन में एक बार दूसरे जो है ना बर्तन में जो है ना उसको छान कर निकाल दीजिए, और फिर वो जो पहले से भरा हुआ पानी होता है वो बर्तन को साफ़ कर जो है ना उसमें पानी फिर से आप स्टोर कर सकते हैं। और जो है ना ये डेंगू का मच्छर जो है ना 28 दिन तक जो है ना 2000 जो है ना अपने अंडे जो है ना प्रोड्यूस करता है, जिससे जो है ना और 2000 मच्छर फिर पैदा होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो है ना इससे बचने की जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत ये है। अभी हम जो वार्ड नंबर 13 में जो ड्राइव निकले हैं करने के लिए निकले हैं, जहाँ पर ज़्यादा पेशेंट होने की वजह से हम जो है ना एक एम ले कर निकले हैं कि इस वार्ड नंबर 13 को जो है ना डेंगू किससे जो है ना पूरा जो है ना साफ़ करने के, जो है ना मच्छर से जो है ना साफ़ करने की, साफ़ करके जो है ना डेंगू फ्री जो है ना एरिया बनाने के लिए निकले हैं। इंशाल्लाह जो है ना आप लोग भी जो है ना अपने जाती तौर पर जो है ना ज्वाइन होजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम में ज्वाइन होकर जो है ना लोगों को जो है ना और अवेयर करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार, इवत ना वार्ड नंबर 13 डेंगू सर्वे माताी। डेंगू स्वच्छवाद नहीं अब डेंगू ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಮಾಸ್ಕಿಟೋಸ್ 2000 ತತ್ತಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಅವಧಿಯನ್ನು 28 ಡೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KVN University, Newsun Fabrics Clothes Store, Surat Khazana, Chulbu Lighting and Furniture, and by Smart Super Bazaar.